संशोधन से नहीं बात बनेगी बल्कि कानून वापस लेकर ही सरकार इस किसान आंदोलन को खात्मा होगा। दरअसल आज सातवें चरण की बातचीत होनी है जिस पर पूरे देश की निगाहें अन्नदाता की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले ही जरा देखिए कि किस तरीके से बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। ना प्रोटेस्ट ना खत्म होता अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेगी। प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता, बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे, संशोधन पे नहीं बात बनेगी। आज मतलब ये कंफर्म है कि चाहे कुछ भी वो सरकार आप लोगों के हित में संशोधन करे उसके बावजूद आप लोग नहीं मानेंगे। अच्छा हित कैसे, मतलब हित होता तो हम ही नहीं कानूनों को ना मान लेते, ये तो किसानों के बर्बादी के कानून है। और पांच तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, 35 दिनों से चलते हुए इस आंदोलन को समेटे हुए ये पांच तस्वीरें जहां पीएम मोदी ने किसानों की चिंता जाहिर की। इसके अलावा नकली किसानों पर जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आई उस पर भी वार होगा। इसके अलावा किसान आंदोलन का 35वां दिन, सुलह का फॉर्मूला भी तैयार है और असली किसानों की जीत तय मानी जा रही है। हितेन और लक्ष्मी हमारी सहयोगी सिंगू बॉर्डर से लगातार हम तक तमाम अपडेटेड तस्वीरें, तमाम बातचीत वहां से पहुंचा रही हैं। लक्ष्मी, वहां पर किस तरह की तस्वीरें और देखने को मिल रही है, किस तरह की और हलचल देखने को मिल रही है? आज बातचीत का सातवां चरण है। देखिए अनुराग, बातचीत का सातवां चरण है, आंदोलन का 35वां दिन है, पूरे देश की निगाह है। ये जो आम लोग हैं इनको भी समस्या हो रही है और इस बीच जो राकेश टिकैत का बयान आ गया है इसके आप मायने समझिए। एक और सरकार कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं, एक और सरकार कह रही है हम संशोधन को तैयार हैं, लेकिन अगर इसी बात पर अड़े रहना है कि नहीं कानून खत्म करिए तो बात कैसे बनेगी? देखिए सरकार ने भी उन लोगों को पहचान लिया है जो बीच में रास्ता रोक कर बैठे हुए, उन सभी लोगों की सरकार ने पहचान किए। सिर्फ ये पहली बार और 35 दिनों में नहीं, जब पंजाब में भी इसी तरह से ये रेलवे ट्रैक पर डटे हुए थे तब मुझे याद है कि पीयूष गोयल ने 3-3 बार जो है मीटिंग ली थी। पंजाब के सभी जो कांग्रेस के सांसद थे और मंत्री थे उन लोगों को भी बुलाया गया था और बाकायदा कड़े सख्त शब्दों में जो है पीयूष गोयल ने कहा था रेल मंत्री ने कि देखिए आप अपनी राजनीति करिए लेकिन देश का नुकसान मत करिए। और ये वही देखा होगा इतेन, इससे पहले भी आपने देखा होगा अभी राजनाथ सिंह ने जब अपनी बात रखी मीडिया के सामने तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए हम हर एक बात को मानने के लिए तैयार हैं। आज सातवें दौर की वार्ता है, 35वां दिन है और सरकार लगातार ये कह रही है कि तथ्यों के आधार पर जो भी संशोधन होगा और तथ्यों के आधार पर बात करिए। और पहले दिन से सरकार कह रही है कि अन्नदाता भगवान है, उनकी सारी बातें सुनी जाएगी लेकिन तथ्यों के आधार पर बात होगी। कहा गया कि MSP लिखित में दे दीजिए, सरकार लिखित में देने को तैयार है, लेकिन अब जो ये एक अड़ियल रवैया है कि नहीं खत्म होना चाहिए। अक्षय, इसके बाद आगे की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? अक्षय देखिए ये बताता है कि क्या इस माइंडसेट के साथ बात करने के लिए जाएंगे, और अगर इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो प्रिया अपने आप ये मायने हैं कि पहले ही मान लिया गया कि सरकार कुछ भी कहे हमें ना ही कहना है। लेकिन ये वही राकेश टिकैत था, आपको याद दिला दें, जिनके एक अखबार की प्रति और उसकी तस्वीर लगातार घूम रही है जिसमें ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि कानून जो लाया गया है किसानों के हित में है और इससे किसानों का ही फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए लेकिन इन सबके बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी अपील कि देश का जो अन्नदाता है ना वो देश का भगवान है, आप बातचीत के लिए आइए। सरकार देखिए अक्षय पहले दिन से ये कहते रहिए, ठीक है ये कृषि कानून जब लेकर के आगे किसानों को समझाने की कोशिश की गई आपके हित में है, लेकिन किसान कह रहे नहीं हमें ये संशोधन भी चाहिए। ये बात होती है, ये तरीका होता है असली किसानों ने ये बात की कि हमें संशोधन चाहिए। सरकार भी कह रही है कि हम तो संशोधन यहां जो लोग हैं ना तैयार है इनसे बात करते हैं। इंद्रपुरम से, ऐसे जो तकलीफ हो रही है आपको लग रहा है कि अब ये खत्म होनी चाहिए, आंदोलन खत्म होना चाहिए? अब क्या बोलना है आप बताइए जी, यहाँ तो बहुत चलिए लोग जो है ना बहुत ज्यादा कुछ कहने से बच रहे, इंतजार कर रहे कि अब आज की जो मीटिंग है 35 दिन तक ये सारा सब कुछ हमने सामना किया, आज की जो मीटिंग है वो सफल हो जाए बातचीत हो और फिर उसके बाद रास्ता निकले। वापस सिंगू बॉर्डर का रुख करते हैं, हितेन और लक्ष्मी हमारे साथ बने। हितेन बिल्कुल नए साल पर फॉर्मूला तय हो गया है सरकार का, नए साल पर किसानों की वापसी हो रही है, आप ये समझ लीजिए। बयान है तेन कोई भी कुछ भी दे लेकिन सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है आंदोलन को खत्म करने की और सहमति बनाने की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्लान बनाया है, देखिए चाणक्य कहे जाते हैं वो इस सरकार के सबसे बड़े चाणक्य, भाजपा को देश भर में जिताने वाले भी वही है। संगठन में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उनकी नीति कभी फेल नहीं हुई है और 8 तारीख को इसी नीति के तहत वो बैठे थे। उसके बाद बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल,
बिल्कुल जाहिर है कि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री इस मुद्दे को लेकर कितने संवेदनशील है, कितने गंभीर है और कितना वो जल्दी चाहते हैं कि इसका समाधान। और 8 तारीख से लेके कल तक का पूरा ब्योरा उनके पास है। देखिए आईबी की भी पल पल की रिपोर्ट उनके पास है, कौन बरगला रहा है, कौन भड़का रहा है, सब उन्हें पता है। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया है, उसी प्लान के तहत इनको घर भेजा जाएगा, इनके ट्रैक्टर को खेत में भेजा जाएगा। इसीलिए अक्षय हम कह रहे हैं कि किसानों की घर वापसी होगी और सियासत का खेल आज खत्म हो जाएगा। आप समझ लीजिए अक्षय, जो बिचौलिए है ना, जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि शाहीन बाग एक्सटेंशन बनाया जाए, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। और सरकार ने भी साफ कह दिया है कि अगर किसान कहता है कि MSP बाहर बाजार में भी हो, सरकार कहती है ठीक है हम लिख कर देंगे कि MSP से कम में कुछ नहीं हो। और यही उनकी प्रमुख मांग है, प्रमुख मांग है जो असली किसान, देश का जो अन्नदाता जिनके बीच हम गए थे ना, वो यही कह रहे कि आप MSP पे हमें लिख करके दे दीजिए, इससे हमें संतुष्टि मिल जाएगी। इनसे बात करते हैं, तैयार है, बात कीजिए अक्षय। आप ऐसे आ रहे हैं, बहुत तकलीफ में आप दिख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है ये क्यों करना पड़ रहा है आपको, पहले ये तो बताइए। करना पड़ रहा है, भीड़ भाड़ होता है, जाम होगा तो करना ही पड़ेगा। देखिए किसान आंदोलन की तरफ से जो रास्ते हैं, जो रूट है, वो डाइवर्ट है, बंद किया गया और इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आज एक बार फिर किसानों की बातचीत मंत्रियों से होगी, लगता है समाधान होगा, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हम बात की। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है, आम लोगों को भी उम्मीद है, एक बार फिर से बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार सिंघु बॉर्डर चलते हैं। लक्ष्मी, वहां पर आम लोगों को भी ये उम्मीद है कि उनकी परेशानी कम होगी। बिल्कुल ठीक कह रहा अक्षय। हाँ। बिल्कुल अक्षय, देखिए सरकार का प्लान क्या है पता है, सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि सरकार इनको इन्हीं के बयानों के आधार पर घेरेगी। हाँ। क्योंकि पहले दिन से देखिए, राकेश टिकैत जब मैदान में उतरे थे इस आंदोलन में, तो पहले दिन से वो 10 दिन तक बयान देते रहे कि संशोधन चाहिए और अलग से मिले थे। जब विज्ञान भवन में, मुझे याद है कि विज्ञान भवन में मीटिंग हुई थी पहली इन 32 जत्थेबंदियों के साथ, उसमें राकेश टिकैत शामिल नहीं थे, उसके बाद अलग से मुलाकात हुई थी। संवाद है और आज इसका विवाद का हल इस संवाद के जरिए निकलेगा। आज किसान और सरकार के बीच आखिरी वार्ता हो रही है, आज विकल्प निश्चित तौर पर निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किसानों को समझ आ रही है, लेकिन आज बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा। अक्षय, ऐसे कहीं न कहीं संकेत मिल रहे हैं, ऐसी संभावनाएं आज की वार्ता से पहले सामने निकल कर आ रही है अक्षय। और सरकार की तरफ से जो कोशिशें अपने आप में बता रही हैं प्रिया, कि सरकार हर तरीके से चाहती है कि जो अन्नदाता है उनकी परेशानी कम हो। अब आप देखिए कि कौन सा मंत्री नजर नहीं आ रहा है, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, हर कोई लगातार समझा रहे हैं। राजनाथ सिंह अपील कर चुके हैं और ये कह चुके हैं, ये देश का जो अन्नदाता है ना, वो भगवान है, भगवान का रूप है वो, क्योंकि इस देश का अन्नदाता है, जिस वजह से देश के हर एक नागरिक के थाली में दो वक्त का भोजन अगर जाता है तो वो इन्हीं के खेतों से निकल करके जाता है। और वो मेहनत दिखी भी अक्षय, जब हम खेतों में थे, अन्नदाता के पास जब हम थे, कि किस तरीके से आज भी वो अपने हक की मांग को उठा रहे, अपनी आवाज उठा रहे, लेकिन कैसे खेतों में डटे हुए हैं। अब वहाँ बातचीत से रास्ता निकलेगा, तभी ये रास्ता खुलेगा, जिस रास्ते की वजह से लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बैरिकेडिंग की वजह से। आप देख लीजिए कि लोग एक तरफ की हालत नहीं है, हर तरफ जितने भी ये रास्ते है ना दिल्ली जाने वाले, सारे बैरिकेड्स किए गए, ब्लॉक किए गए, क्योंकि किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर और लगातार ये मांग है कि सरकार से बातचीत हो। लेकिन देखिए अभी तक हितेन और लक्ष्मी का रुख करेंगे, लेकिन लक्ष्मी एक चीज बताइए, अब इसमें सियासत का कॉकटेल भी नजर आने लगा है। जब सियासी चेहरे जो विरोधी है वो इनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो क्या रास्ता निकलना इतना आसान होगा, या इन्हें पाठ पढ़ाने की कोशिश ये सियासी पार्टियां कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अक्षय। आप सुनिए, आप मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही इस बात की भनक सियासत को लगी कि किसान और सरकार के बीच आखिरी दौर की वार्ता होने जा रही है, वैसे ही आपको याद होगा NCP प्रमुख शरद पवार सीताराम येचुरी से मुलाकात करते हैं, किसानों से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि अब आखिरी रणनीति आगे की क्या है, ये हमने तैयार कर ली। देखिए राजनेता तो बरगलाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपील कर रहे लगातार के किसान किसी की ना सुने, किसानों को पता है, असल किसानों के बीच लगातार जी हिंदुस्तान की टीम है और वो कह रहे कि ये कानून उनके हित में, संशोधन उनके हित में है। हाँ। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए हैं, हाँ, वो आज मानेंगे क्योंकि सरकार ने प्लान बनाया है। हम कह रहे हैं नए साल पर किसान होगा खुशहाल, क्योंकि लगातार गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन फाइनल फॉर्मूले से बात बन जाए और ये आंदोलन का चैप्टर क्लोज हो जाए। अक्षय बिल्कुल, लक्ष्मी देखिए, अब ये आंदोलन जो है वो खत्म
खत्म करना है, लेकिन कैसे, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार अक्षय बैठे हुए धरने पर भी, और जो खेतों में इस वक्त असली किसान है वो भी परेशान है। लेकिन उम्मीद यही है कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार है और सरकार हमारी बात मानेगी। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार बात मानेगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि हम संशोधन के लिए तैयार है, आप आइए टेबल मीट के लिए, उसके बाद संशोधन हो जाएगा। देखिए अब बात एक ही जगह पर अटकती है कि क्या ये मांग आज वहाँ टेबल पर किसान नेता छोड़ेंगे कि कानून रद्द करिए, क्योंकि कानून रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि किसानों के हित की बात इस कानून में की जाए। और बिल्कुल, बिल्कुल, आज इसी बात पर उम्मीद है कि अब जो छह दौर की बातचीत में रास्ता नहीं निकला है वो सातवें दौर में निकलेगा। आज वो हठ योग जो देखने को मिला है वो छोड़ते हुए तमाम किसान नेता भी नजर आएंगे और सरकार भी थोड़ा झुकेगी। देखिए बिल्कुल, सातवां जो दौर होता है ना हमेशा वो सफल होता है। हम किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो बेचारी पैदल जा रही हैं इस आंदोलन की वजह से, इनको अपने काम पे जाना होता है, ठंड है, देखिए कैसे अपने हाथों को छुपा रहे हैं। एक तो ठंड, ऊपर से पैदल जाना कितना मुश्किल हो रहा है, कितने किलोमीटर जाना पड़ता है। आधे घंटे का रास्ता दो ढाई घंटे में बीतता है, और सुबह शाम को 4 बजे निकलते हैं, 6 बजे घर पहुँचते हैं। ऐसा 35 दिन हो गए आपको डेली देख रहे हैं, रोज ऐसे चल रहे हैं। आज आखिरी दौर की किसान सरकार की वार्ता है, आपको क्या उम्मीद है और क्या आप चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं इनकी उम्मीद पूरी हो ही जाए। देखिए ये हर कोई कह रहा है कि आंदोलन खत्म होना चाहिए क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही है, और सिर्फ उन्हें नहीं पूरे देश को तकलीफ हो रही है, क्योंकि अन्नदाता भी जो है वो लगातार, असली किसान जो है वो लगातार अपील कर रहा है अक्षय कि यहाँ जो लोग बैठे अगर उसमें कुछ असली किसान भी है तो वापस खेतों में लौटे और काम करें। बिल्कुल, और इसी उद्देश्य के साथ, इसी भावना के साथ देखिए हर कोई ये चाहता है कि किसान खेतों को लौटे और वहाँ पर काम करे, आंदोलन खत्म। लेकिन आंदोलन खत्म कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आंदोलन खत्म कैसे होगा उसका एक, बिल्कुल आंदोलन खत्म कैसे हो, क्योंकि अब तक 6 दौर की बैठक में 6 अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। अगर सरकार से कहा जाता है MSP पर बात करिए, सरकार राजी हो जाती है तो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, अब MSP पर आप नया कानून लेकर आइए। और वो कहते हैं कि कानून नया लेकर के आइए, इस कानून में सरकार संशोधन के लिए तैयार होती है। लेकिन अभी तक जो बातचीत कर रहे थे किसान नेता वो कह रहे हैं कि नहीं इसको रद्द कीजिए। आप देखिए सरकार ने जब स्पष्ट कर दिया कि कानून रद्द नहीं होगा, आपको बातचीत करनी होगी, हम संशोधन के लिए तैयार। कानून से दिक्कत क्या, जब संशोधन हो जाएगा, आपकी बातों को सरकार मानने के लिए तैयार है तो फिर दिक्कत कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल। और हितेन के पास चलेंगे तो मैं हितेन से प्रिया ये समझ लेता हूँ, क्योंकि वो लगातार इस आंदोलन को कवर करते रहे। हितेन एक चीज बताइएगा, आंदोलन का रंग किस तरीके से बदला है, और ऐसे बदलते रंग के साथ क्या उम्मीद की जा सकती है कि सॉल्यूशन निकलना, रास्ता निकलना आज इतना आसान है? देखिए रास्ता तो सरकार ने तय कर लिया है कि क्या होगा, लेकिन आंदोलन का रंग बदलते जरूर मैंने देखा है। पहले दिन जब ये आंसू गैस के गोले चले थे उसके बाद से लगातार ट्रैक्टर जो यहाँ बढ़े थे, पिछले 5 आने वाले 5 दिनों तक ट्रैक्टर लगातार बढ़ते रहे, लेकिन उनमें से जो असली किसान थे वो 10 दिनों के भीतर वापस अपने घर की ओर लौटे, और कुछ असामाजिक तत्व यहाँ आते गए, और उसी का नतीजा है कि 35 दिन कह रहा था किसान की हमें डर है कि कहीं ये आंदोलन हाईजैक ना हो जाए, हमें डर है कि कहीं ये आंदोलन हाईजैक ना हो जाए, और वही हुआ। देखिए लगातार इसमें ऐसे लोग सम्मिलित होते गए, अपने एजेंडे के साथ सम्मिलित होते गए, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की तस्वीर और इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल दिया। देखिए योगेंद्र यादव, आज असली किसान की जीत होगी, आज असली अन्नदाता खुश होगा, क्योंकि आज राह की उम्मीद नजर आ रही है। प्रिया बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए आज जो है अब इसलिए ये उम्मीद नजर आ रही है, ये उम्मीद इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कृषि मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब ये कह चुके हैं कि ये किसान हित में है, यानी कि संशोधन की बात जो कही जा रही है मंत्रियों की तरफ से, उसके लिए भी तैयार है। एक चीज याद रखिए ना, हमेशा कहा गया कि जहां चाह है वहां राह है, अगर चाह ही नहीं हुई वहां जाने के पहले, अगर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मोहरों की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो चाहते ही नहीं कि रास्ता इतनी आसानी से निकले, तो राह कैसे निकलेगी? क्योंकि देखिए सरकार ने साफ किया कि आपकी जो जो मांगे हैं हम उन पे बात करेंगे, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि कानून रद्द नहीं होगा। पहले यही तो था ना, सरकार कह रही है कि आपकी जो मांगे आप बताइए, हम उस पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले किस चीज पे अड़े थे? कानून रद्द कीजिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कानून रद्द नहीं होगा और अब संशोधन के लिए तैयार है। और देखिए चाहे राजनाथ सिंह की बात करें, जो जमीन से जुड़े हुए जन नेता है, चाहे हम बात कर ले अमित शाह की, हम बात कर ले जो लोगों से बुला करके बातचीत कर रहे हैं, लगातार इस मीटिंग का वो हिस्सा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों के बीच में रहे, उन्हें समझाते रहे हैं, किसान नेता उनके साथ मीटिंग के लिए जाते रहे, वापस सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं। देखिए लक्ष्मी एक बात तो स्पष्ट है कि आज की जो मीटिंग होगी
उसमें हाँ या ना, ये दो चीजें जरूर निकल करके आ जाएंगे किसान की तरफ से, संशोधन सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा और बहुत हद तक संभव है कि किसान नेता जो असली किसान नेता है वो मान जाए। प्रिया, सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है, एक चीज समझिए प्रिया कि जब दो लोग एक फ्रेम में आने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा उनको चलना पड़ता है, थोड़ा मुझे चलना पड़ता है, जैसा कि इस वक्त हम और हितेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। यही तस्वीर किसानों को दिखानी होगी, यही तस्वीर किसानों को दिखानी होगी कि अगर सरकार 80 कदम आगे चल रही है तो 20 कदम किसानों को आगे चलना होगा और अपनी जो हट है वो हट हटानी होगी। ये बड़ा सवाल है और आज जो बैठक हो रही है हितेन, इसमें इसीलिए हम कह रहे हैं कि असली अन्नदाता की जीत होगी, देश की जीत होगी, देश की जीत होगी, देश की जीत इसलिए होगी क्योंकि देखिए साल की अंतिम बातचीत है किसानों की इस संगठन के साथ, लेकिन इस अंतिम बातचीत के साथ ये उम्मीद ज्यादा बढ़ाई जा रही है प्रिया कि नया साल जो आएगा नई किरण के साथ आएगा, जब ये किसान अपने खेतों में नजर आएंगे, सड़कों पर नहीं। बिल्कुल यही सवाल है कि नए साल में किसान अपनी खेतों अपने खेत खलिहान को वापस लौटेंगे, घर परिवार को वापस लौटेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा यह आंदोलन। 35 दिन हो गया, देखिए कितना बड़ा यह आंदोलन चला है, 35 दिन हो गया है, किसान लगातार सड़कों पर है लेकिन अराजक तत्व भी ये मैं हितेन से समझना चाहूंगा। हितेन, क्या इस आज जो टॉक होने वाली है टेबल पर, इस बातचीत को इस साल की नहीं बल्कि इस आंदोलन के लिहाज से आखिरी बातचीत की कोशिश देखी जाए, ये हम हितेन से समझेंगे। लेकिन प्रिया देखिए, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही, हर चेहरा नजर आया, पहले कहा जा रहा था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, अब हर एक चेहरा आकर बातचीत कर चुका है, एड्रेस कर चुका है, फिर रास्ता नहीं निकल रहा है तो सवाल उठते हैं कि क्या घुसपैठ हो चुकी है राजनीतिक पार्टी। अक्षय, एक चीज को समझना होगा कि कैसे विपक्षियों ने भी इसको हवा दी है और बरगलाने की राजनीति भी की गई है, भ्रमित कर दिया गया किसानों को और फिर वो जब गए तो ये कह रहे हैं कि हाँ या ना, यानी कि आप इस कानून को रद्द करेंगे या नहीं, हम यही बैठे रहेंगे। जब आप देख लिया कि किस वजह से ये जो कानून है कृषकों के हित में है, किसानों के हित में है, चाहे आप एपीएमसी को लेकर के सवाल उठे, मंडियों को लेकर सवाल उठे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई सामने, अब एमएसपी को लेकर के सरकार जहां गिरी हुई है उस पे आज बहुत हद तक चीजें, जहां पहले बाकी चीजों को सरकार ने स्पष्ट कर दिया। दो चीजों को लेकर सबसे ज्यादा गतिरोध देखने को मिल रहा था, वो था एपीएमसी यानी मंडियों को लेकर, सरकार ने कहा मंडियां ना खत्म हुई है ना खत्म होने देंगे, एमएसपी ना खत्म हुई है ना खत्म होने देंगे। दूसरी चीज थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि किसानों की जमीन कोई भी जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो या तो लोन पर ले लेगा, ये जमीन पर कब्जा, सरकार ने कहा हम ये कानून में लिखेंगे कि कोई भी जमीन पर लोन या जमीन को कब्जा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद अब सवाल उठता है कि बात कहां फंस रही है, क्योंकि आप जो कह रहे थे उसका रास्ता सरकार की तरफ से सुझा दिया गया है, तो यही अब देखना होगा कि आज क्या सरकार अपनी इन तमाम कोशिशों को, अपनी इन बातों को समझा पाने में कामयाब होती है, क्योंकि सरकार अब तक 6 बार कामयाब नहीं हो पाई, तो चिंता की लकीरें जाहिर तौर पर प्रिया आज उनका कृषि मंत्री के माथे पर भी होंगी। और जब सरकार कह रही है कि अन्नदाताओं के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, आप देखिए ना, न्याय योजना जो शुरू हुई है, किसान निधि जो योजना शुरू हुई है, उससे किसानों को फायदा हुआ है, जो इन्हें सब्सिडी मिल रही है बीजों पर लेकर, उससे इनका खर्च कम हुआ है, तो अब ये समझना होगा। हितेन का एक बार रुक करते हैं, हितेन यही समझना चाह रहा हूं मैं कि क्या इसे इस साल की आखिरी बातचीत नहीं, इस आंदोलन में सरकार और किसान संगठनों के बीच अंतिम वार्ता के तौर पर देख सकते हैं, रास्ता निकल ही आएगा ये माना जाए, या उसके बाद सरकार कोई नया कदम उठा सकती है। बिल्कुल प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, प्रायोजक मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा आओ अब सब बचेगा। संदेश दे रही है, ये मैसेज दे रही है, ये
दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम चाह रहे हैं कि इस बैठक में नए साल से पहले आप भी नए साल में अपने घर जाएं, अन्नदाता अपने घर पहुंचे, नए साल पर अन्नदाता भी खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ नए साल मनाए। और इसीलिए इस साल का आखिरी दिन कल होने जा रहा है और उससे पहले जो बैठक है ये माना जा रहा है कि इसका अंत भी इस साल के अंत में हो जाएगा। आंदोलन का अंत भी आज ही लाने का एक प्रयास रहेगा। देखिए बिल्कुल अक्षय और प्रिया का रुख करते हैं। देखिए सरकार ने तो अक्षय प्लान बना लिया है कि ये आंदोलन की आखिरी वार्तालाप होगी, इसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी, आज ही अंत लाना है और आज ही इन लोगों को ट्रैक्टरों के साथ अपने अपने घर रवाना करना है, क्योंकि 35 दिन हो गए, ठंड लगातार बढ़ रही है, 6 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त सिंगू में, 10 बज चुके और सोचिए जो असल किन असल अन्नदाता इनके बीच है उनके क्या हाल हो रहे होंगे। बिल्कुल अक्षय, देखिए बिचौलियों की वजह से देश के अन्नदाता को परेशानी उठानी पड़े ये कोई भी नहीं चाहता है प्रिया। और आप सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार झुकने को राजी नहीं थी, सरकार ने माना कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो हम बदलाव कर रहे हैं, फिर आप कहां अटकते हैं ये सवाल उठता है, फिर मंसूबों पर सवाल उठने लगता है। आज उम्मीद है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि सरकार भी आप अपनी बात समझाने में कामयाब होगी। बिल्कुल, देखिए अटकते कहाँ है, जिस बात का जिक्र आपने किया ना, सरकार इसी चीज पे लेकर के स्पष्टीकरण मांग चुकी है आपको, जहाँ जिस चीज को लेकर के आपत्ति आप बताइए, आप बात कीजिए, ऐसे कहीं नहीं होता है कि हाँ या ना। सरकार ने अगर कानून लेकर के आई है, पहले बिल बना कानून लेकर के आई, तो ये देश हित में, ये कृषि के हित में, किसान हित में है। लेकिन जो लोग अभी तक बातचीत कर रहे थे, या तो किसानों को गुमराह किया जा रहा था, जो किसानों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब प्रमुखता से हमने उनके बीच घुस करके इस चीज को देखा भी, दिखाया भी कि देश का जो असली कृषक है ना और किसान, इस वक्त भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वो बॉर्डर का भी रुख कर रहा है, लेकिन खेत खलियान भी छोड़ के नहीं बैठा ये वो बॉर्डर पे। कुछ लोग हैं जो अभी भी खेतों में डटे हुए हैं और किसान तो ये मानता है कि अय्याशी तो हो ही नहीं सकती, आज की बातचीत में जो है रास्ता निकले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमेशा रास्ता जो है बातचीत से निकलेगा, और हितेन आज बातचीत हो रही है तो रास्ता निकालने के मंसूबों से हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता चुकी है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं, सिर्फ कानून रद्द नहीं होगा। अब ये आखिरी बातचीत के तौर पर भी नजर आ रहा है, हालांकि अभी तो उम्मीद का वक्त है, उम्मीद के साथ ही किसान नेताओं को वहां जाने की जरूरत होगी आज हितेन। बिल्कुल, देखिए अक्षय यही बातें, सरकार पूरी तरीके से झुक चुकी है, सरकार भगवान मानकर इन्हें कह रही है कि देखिए हम तो आपकी पूरी बात मान रहे हैं, कानून जो है आपके हिसाब से बनना चाहिए था, आप ये कह रहे हम आपके हिसाब से संशोधन कर रहे, आपके हिसाब से कानून बना रहे, तो आप थोड़ा झुकिए, रद्द क्यों करवाना चाहते हो जब आपके हिसाब से कानून बन रहा है। तो सरकार लिखित में सब कुछ देना चाहती है और अन्नदाता ये मान भी रहे कि सरकार अगर लिखित में दे रही है तो वो उनके हित में है। देखिए यही तो अन्नदाता चाहता था, पहले जब मीटिंग हुई, कृषि सचिव जब आए थे तो आपको याद होगा कहा गया कि पहले कृषि मंत्री से बात करनी है, वो मीटिंग इसलिए टली क्योंकि उसमें कृषि मंत्री नहीं थे। दूसरी मीटिंग जब हुई तो कृषि मंत्री पहुंचे, तब ये कहा गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, गारंटी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम गारंटी आपको देते हैं। तीसरी मीटिंग में कहा गया कि सिर्फ बात से नहीं होगा, हमको लिखित में चाहिए, सरकार ने कहा कि ठीक है हम आपको लिखित में भी देंगे। लेकिन आज अब जो रवैया है वो ये है कि काले कानून को खत्म करना है, ये जिद है, ये इनकी जिद है, ये जिद आज टूटेगी और देश जीतेगा, क्योंकि सरकार के पास प्लान है, ये जिद तोड़ने का प्लान सरकार ने बना लिया है, और जो मंसूबे इनके थे वो मंसूबे सरकार भी कामयाब होने नहीं देगी। और सरकार की आज सबसे बड़ी अपील इन किसान नेताओं से होगी कि अगर वाकई में अगर आप किसान है, असली किसान है, तो फिर आप जिद तोड़िए और किसानों के हित में रहिए, जो बिचौलिए, जो आपको बरगला रहे हैं, जो आपको गुमराह कर रहे हैं, उनकी मत मानिए। कैमरे पर्सन से तस्वीरें जरा दिखाते रहिए, देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो वाकई आपको भी चिंतित करेंगी। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, जो लोग हैं जो अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, फैक्ट्री में मजदूर काम करने जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है अक्षय यहाँ से गुजरने में, क्योंकि उनको हर रोज, देखिए महिलाएं, तस्वीर जरा घुमा के कैमरा दिखाइएगा, आपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, ये देखिए सर पर बैग लेकर ये जा रही है। मजबूरी क्या है कि वहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है, 22 किलोमीटर तक ये ट्रैक्टर और ट्रॉलिया है, ऐसे ऐसे जो घेरा हुआ है ना, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं अक्षय कि आज इसका समाधान हो जाए। अक्षय प्रिया, ओवर टू यू। बिल्कुल, जो असली किसान है वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि हमें कानून रद्द करवाने से कोई मतलब नहीं है, हमारा मकसद ये था कि एमएसपी पर बात हो,
सरकार उसके लिए राजी हो गई। हमारा मकसद ये था कि हमारी जमीन हमसे ना छीने, सरकार उस पर भी राजी हो गई। हमारा मकसद जो भी था, सरकार अगर उस पर राजी हो रही है तो कानून रद्द करने की जो मांग है या ये जिद जो है इसे छोड़ने की जरूरत है। ये असली किसान, आप भी प्रिया खेतों में गई थी उनके साथ आपने भी बातचीत की, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खेत खलियान में जब हम पहुंचे असली किसान भी यही कह रहा है, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, हमारी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, सरकार मान ले, सरकार से हम बातचीत के लिए तैयार है। ये हठधर्मिता हमारी नहीं हो सकती है, ये जो असली किसान है ना उनकी ये हठधर्मिता नहीं है, क्योंकि वो बातचीत के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्हें संशोधन चाहिए। अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान होना चाहिए, उस समस्या को आप आगे लेकर के बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उससे नुकसान आपका भी है और किस तरीके से सरकार भी गिरी हुई है ये भी देख रहे हैं। बार बार सरकार को भी आकर के समझाना पड़ता, लेकिन एक बात बार बार सरकार की तरफ से ये कही गई कि हम समझाने के लिए तैयार हैं, आप जितनी बार बातचीत करने के लिए आते हैं आइए, आपका स्वागत है, लेकिन ये कानून रद्द नहीं होगा, इसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन जरूर हो सकता है, संशोधन के लिए हम तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया देश का जो अन्नदाता है वो भगवान है और हम संशोधन के लिए तैयार है, आइए टेबल मीट कीजिए। और एक चीज देखने होगी लक्ष्मी, कि वो जो तमाम किसान संगठन है जो इस कानून के फेवर में, अब उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पक्ष में है तो हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है, उन चंद लोगों की क्यों सुनी जा रही है जो इसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए अक्षय देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज असली अन्नदाता जीतेगा और जो मुखौटा पहनकर बैठा हुआ है वो हारेगा, क्योंकि असली अन्नदाता चाहता है कि निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो। सरकार कहीं न कहीं ऐसे विकल्प दे रही है, यकीनन उन पर अगर एक बार विचार विमर्श किया जाए तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हितेन बहुत आसान। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए आंदोलन कब खराब हुआ, आंदोलन कब अलग राह पर चला, ये मैं आपको बताता हूँ, मैं देश को बताऊंगा। जब पहली मीटिंग हुई थी 1 दिसंबर के दिन, तब तक आंदोलन एकदम सही मार्ग पर था, किसानों का भी नरम रुख था, किसान नेता जो जारते विज्ञान भवन उनका भी नरम रुख था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल संगठन से जुड़े हुए लोग जो अपने आप को अब किसान नेता बताते, जैसे योगेंद्र यादव, वो इनसे जुड़ गए। उन्होंने सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।